नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी सरकार ने जीएसटी के छापे पर रोक लगा दी है। व्यापारियों की मांग पर सरकार ने रोक लगाई है, व्यापारियों को उत्पीड़न नहीं होगा, यूपी सरकार झुक गई है। स्टेट जीएसटी की प्रदेश भर में छापेमारी पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि कई दिनों से जीएसटी की छापेमारी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाकों में लगातार देखने के लिए मिल रही थी। व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आज की उत्तर प्रदेश से, यूपी सरकार ने जीएसटी की छापेमारी पर रोक लगा दी है। व्यापारियों की मांग पर सरकार ने रोक लगाई, व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होगा, यूपी सरकार ये कहती हुई नजर आई है। स्टेट जीएसटी की प्रदेश भर में छापेमारी पर आखिरकार रोक लग गई है। व्यापारी लगातार कह रहे थे कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनसे उगाही की जा रही है, ऐसे में ये छापेमारी पर रोक होनी चाहिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसकी वजह से बाजार बंद रहा, क्योंकि जो दुकानदार थे, जो व्यापारी थे, वो डरे हुए थे। कई दिनों से इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये प्रदर्शन जीएसटी विभाग के खिलाफ व्यापारियों का देखा गया। आखिरकार सरकार झुक गई है, सरकार ने छापेमारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि व्यापारियों पर किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होगा, उनका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की इस बड़ी और अहम खबर पर मेरे सहयोगी दानिश वारसी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मैं सीधा उनका रुख करूंगी। दानिश, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जीएसटी विभाग की छापेमारी लगातार जारी थी, लेकिन आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? नहीं, देखिए, जिस तरीके से जीएसटी की छापेमारी हो रही थी, तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है कि छापेमारी में कुछ तथ्य भी सामने आ रहे थे, जिसमें बिलिंग को लेकर के, टैक्स चोरी को लेकर के भी मामले खुलासे हो रहे थे और कुछ उत्पीड़न का भी मामला था। जैसे व्यापारियों ने इसमें चक्का जाम किया, मैं कह सकता हूँ व्यापारियों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, कुछ व्यापारियों ने दुकान अपनी व्यापार को बंद करके विरोध जताया है। हालांकि ये 72 घंटे पहले से कार्रवाई शुरू हुई थी और 3 दिन बाद जब अखिलेश यादव ने इसका ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि व्यापारियों का भी उत्पीड़न अब भाजपा सरकार में शुरू हो गया है। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि जब विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया कि व्यापारियों के उत्पीड़न का मुद्दा अखिलेश यादव ने समझ को उठाया और जीएसटी की कार्रवाई सरकार की चल रही थी, लेकिन दोनों तरफ से एक बात साफ नजर आ रही थी कि यूपी की सरकार पहले नहीं झुक रही थी, लेकिन जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, व्यापारियों ने हो हल्ला किया, प्रदर्शन शुरू किया और व्यापार बंद करना शुरू कर दिया, हड़तालें शुरू हो गई, तब जाकर के सरकार ने इस चीज को वापस ले लिया है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह था कि अगर जीएसटी की कार्रवाई सरकार को वापस लेनी थी, तब फिर 72 घंटों में फिर कौन सा खेल चल रहा था? 72 घंटों में फिर जीएसटी की कौन सी कार्रवाई चल रही थी? जीएसटी के अधिकारियों ने इस बात का भी तो खुलासा किया है कि कहीं ना कहीं लाखों रुपए राजस्व आया है, राजस्व में उन्होंने ये बात कबूल की है। कहीं ना कहीं व्यापारी ये कह रहे थे कि उनका उत्पीड़न भी किया जा रहा है, उनसे उगाही भी की जा रही है, तो ऐसे में व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार ये कह रही है कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो वाकई क्या कार्रवाई पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि व्यापारी लगातार मांग कर रहे थे, या विपक्ष इस मुद्दे को भुना ना दे, इस मुद्दे को उठा ना दे, व्यापक ना कर दे, इस वजह से सरकार ने बैक स्टेप लिया है? देखिए, किसानों का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, सरकार कम बैक नहीं हो पाई, ना केंद्र की ना राज्य की, लेकिन 72 घंटों में सरकार की तरफ से कम बैक का कोई भी सिग्नल नहीं आया था। 72 घंटे पहले जीएसटी अधिकारी चाबुक लेकर के लगातार छापेमारी कर रहे थे, खुलासे हो रहे थे, बिलिंग चोरी, टैक्स चोरी, सारे मामले होकर राजस्व बढ़ रहा था, कोई सुनने तैयार था। पूर्व के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से भी व्यापारियों ने मांग रखी, डीवाईसीएम जो पूर्व के थे दिनेश शर्मा, उनका यह बयान आ गया कि व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन जो सही है उनको उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त किया, लेकिन जो गलत है, चोरी कर रहे हैं, उनके साथ भी कोई रहम नहीं बख्शा जाएगा, उन पर भी कोई रहम नहीं किया जाएगा। दो तरीके का बयान डीवाईसीएम ने दिया और अखिलेश यादव ने जैसे ही ट्वीट मारा, वो ट्वीट का असर सरकार को, मैं कहता हूँ सरकार हिल गई उस पे, उस ट्वीट पे कहीं ना कहीं योगी सरकार कमबैक हो गई। क्या योगी सरकार इससे पहले किसी बात को लेकर कमबैक हुई है? उत्पीड़न क्या किसानों का नहीं हुआ? क्या शिक्षा मित्रों का नहीं हुआ? क्या बिजली विभाग के कर्मचारियों का इससे पहले आंदोलन नहीं हुआ था? लेकिन जीएसटी की कार्रवाई, वो अपनी कार्रवाई थी और 40 लाख जो एनुअल टैक्स होता है उस पर जीएसटी की कार्रवाई होती है, जिसका एनुअल टैक्स 40 लाख से ज्यादा होता है, यानी जो सर्विस टैक्स है सेंट्रल जीएसटी का और जो सर्विस टैक्स है स्टेट जीएसटी का। तो स्टेट जीएसटी की छापेमारी थी और छापेमारी में ये भी बताया जा रहा था कि जो बिलिंग है, जो सेलिंग परचेज है, जो पक्के बिल नहीं बन रहे हैं, जिनका टैक्स चोरी की जा रही, यानी कि 10 रुपए का सामान अगर टैक्स मिलाकर देंगे तो वो 12 का हो जाएगा,
लेकिन सरकार के खाते में पैसा नहीं जा रहा था। 72 घंटों में सरकार के खाते में पैसा गया भी, ठीक 72 घंटे के बाद अखिलेश यादव ने जो ट्वीट कर दिया तब सरकार का वो टैक्स का मामला किनारे हो गया और सरकार ने इस चीज को वापसी ले लिया। क्या ये व्यापारियों की हड़ताल से लिया है? अखिलेश यादव ने आ पाया है दानिश, जो जीएसटी विभाग के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे थे, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया? क्योंकि लगातार जो आप बता रहे हैं कि राजस्व को भी नुकसान हो रहा था और राजस्व का पैसा भी आया था, ऐसे में जीएसटी सही तरीके से नहीं पूरी भरी जा रही थी, व्यापारी भी कहीं ना कहीं परेशान थे, उनका कहना था कि हम प्रॉपर जीएसटी दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी छापेमारी हो रही है, बाजार इतने दिनों तक बंद रहे, लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नहीं देखिए, व्यापारियों में जिस देखिए व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल में कई संगठन है, सबने एक सुर में ये बात कही थी कि जीएसटी के द्वारा जो व्यापारियों को उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए सारे व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद करके व्यापार को ठप कर दिया। जो व्यापार ठप होता है तो देखिए सरकार का भी राजस्व कहीं ना कहीं कम होता है, लेकिन जीएसटी की जो कार्रवाई से सरकार का राजस्व आ रहा था। पहली बात तो ये कि जीएसटी की जो कार्रवाई होती है वो 40 लाख के एनुअल पर टैक्स पे होती है, यानी कि स्टेट का वो टैक्स जिस पर पक्के बिल नहीं बन रहे, जो टैक्स चोरी कह रहे हैं, यानी कि विदाउट बिल जो सामान बेचे जा रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं, उसको लेकर के सरकार सख्ती दिखाई थी। डीवाईसीएम ने ये बात कही थी कि जो सही है उनको नहीं, उनसे उनका उत्पीड़न नहीं होगा, लेकिन जो गलत है उनको नहीं बख्शा जाएगा। अखिलेश यादव ने जैसे ही ट्वीट किया वैसे ही सरकार कमबैक हो गई। क्या ये व्यापारियों, मुझे लगता है कि शायद भाजपा को यह बात पता चल गई होगी, यूपी की योगी सरकार को, कि अगर अगर हमने इस चीज की कार्रवाई को कमबैक वापस नहीं लिया और हम झुके नहीं तो अखिलेश यादव की तरफ व्यापारी खींच जाएंगे, और व्यापारी खींच जाएंगे तो मुझे लगता है उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैनपुरी सीट और खतौली सीट जब से समाजवादी पार्टी के खाते में आई है, भले ही रामपुर भाजपा जीत गई हो, तब से मुझे लगता है सरकार अब कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहती है। तानाशाही भी जब तक चलती है जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतरती है, जब जनता सड़कों पर उतर जाती है तो तानाशाही का रवैया भी ढीला पड़ जाता है। वो कहते हैं ना कि हर चीज का एक टाइम होता है, तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा था 72 घंटे पहले सरकार के पास सख्ती थी, रवैया सख्त था, कोई सुनवाई नहीं थी, अधिकारी बेधड़क काम कर रहे थे, राजस्व भी आ रहा था। जैसे व्यापारियों ने हड़ताल ठप की उसमें अखिलेश यादव का आ जाना मुझे लगता है सोने पर सुहागा की तरह व्यापारियों के हित में काम कर गया, और अखिलेश यादव के ट्वीट ने सरकार को एक बात समझा दी इससे पहले कि राजनीतिक मुद्दा बन जाए, और व्यापार संगठन के पूरे यूपी के प्रदेश के लोग अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ झुक गए या अखिलेश यादव ने इसको एजेंडे में बना लिया, सत्र भी चालू होने वाला है संसद का और विधानसभा का, हो सकती है 2024 के लिए भी मुश्किलें हो सकती हैं सरकार के लिए। बिल्कुल दानिश, लेकिन बाजार बंद रहे, आम लोगों को कितना खामियाजा उठाना पड़ा, क्योंकि बाजार बंद थे, वो जरूरत का सामान नहीं खरीद पा रहे थे, व्यापारी दहशत में थे, उनका ये कहना था कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो आगे व्यापक प्रदर्शन होगा। तो क्या सरकार वाकई इस प्रदर्शन से पीछे हट गई है या इसके पीछे कोई और मोटिव हो सकता है? नहीं देखिए, जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद जो मैं कह सकता हूँ राजनीतिक गलियारों में जो हड़कंप मचा है, उससे सरकार कहीं ना कहीं झुकी गई है और पूरी तरीके से पीछे हो गई है। सरकार ने जो कदम पीछे किया है इसके पीछे भी कई मोटिव है, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा था 72 घंटे पहले कि जैसे हर तरीके के हर मामलों में व्यापारी से लेकर शिक्षा तमाम तरीके के धरने प्रदर्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि धरने प्रदर्शन नहीं हुआ या विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन सरकार नहीं झुकी इस मामले में। अखिलेश यादव जब से चुनाव हुआ है मैनपुरी का, खतौली का, इस सीट के बाद से सरकार को यह बात समझ में आ रही है कि सबको नाराज करके उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चला जा सकती, इसलिए व्यापारियों के हित में उन्होंने इस जीएसटी के फैसले को वापस कर दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो 40 लाख के अंदर में आ रहे हैं उन पर जीएसटी की छापेमारी नहीं बनती है, उन पर जीएसटी की कार्रवाई नहीं बनती है। 40 लाख के ऊपर जो एनुअल टैक्स होता है वो जीएसटी के दायरे में आते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि व्यापार संगठन में छोटे दुकानदार थे जिनकी 40 लाख तो छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि 40,000 भी उनकी एनुअल होगी, वो भी इन व्यापारियों के संगठन में दुकानें बंद करके अपने रोजगार को चौपट कर बैठे। दानिश, एक और बात, कहीं ना कहीं इस चीज गोरखपुर में भी जो दहशत का माहौल था व्यापारियों में वो देखा गया, लोग लगातार विरोध करते हुए नजर आए, एक साथ लामबंद हो गए, बड़े व्यापारी भी सामने आए, छोटे व्यापारी भी सामने आए, अपनी अपनी दुकानें करके घर के अंदर बैठ गए, तो गोरखपुर में भी लोग आवाज उठा रहे थे। गोरखपुर में तो देखिए मुख्यमंत्री जी का मैं कह सकता हूँ वो क्षेत्र है उनका, और गोरखपुर में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस वहीं पर होता है। ये भी हो सकता है कि गोरखपुर के लोग नाराज हो गए होंगे कि क्षेत्र उन्हीं का है, वहीं के लोग नाराज हो जाएंगे तो फिर सरकार पे फर्क पड़ रहा था। लेकिन बात गोरखपुर की ही नहीं है, बात अगर की जाए बाराबंकी की, बात की जाए कानपुर की, बात की जाए आपके लखनऊ की, लखनऊ में कई तमाम व्यापारों ने दुकानों को बंद रखा। लेकिन एक सवाल ये सोचने वाली बात थी, क्या जीएसटी के दायरे में क्या वो छोटे दुकानदार भी आ रहे हैं जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं?
जो फुटपाथों पे रहते हैं वो लोग वो व्यापार बंद करे बैठे हैं, जो जो छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं जिनका एनुअल एनुअल इनकम बहुत से बहुत 5 लाख 6 लाख का होगा, वो दुकानदार भी कहीं ना कहीं दुकान बनती है। कुछ चीजें ऐसी भी कंफ्यूजन में रही, छोटे व्यापारियों को शायद बड़े व्यापारियों ने समझा दिया होगा कि जब जीएसटी की रेट पड़ेगी तो आप भी फंसेंगे। पहली चीज तो जानना जरूरी है कि जीएसटी के दायरे में आता है। यानी दानिश ये कहा जा सकता है कि वाकई यहाँ पर सपा के ट्वीट से कहीं ना कहीं सरकार बैकस्टेप पर आ गई है ताकि विपक्ष इसको मुद्दा ना बना सके और इसका बहुत आगे तक सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखती हुई नजर आई है। फिलहाल दानिश बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो व्यापारियों की मांग पर सरकार ने फैसला लिया है, तो बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी सरकार ने जीएसटी के छापेमारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। व्यापारियों की मांग पर सरकार ने रोक लगाई, व्यापारी लगातार मांग कर रहे थे कि इस पर रोक लगनी चाहिए और सरकार ने फैसला लिया, व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होगा। यूपी सरकार ये कह रही है स्टेट जीएसटी ने प्रदेश भर में छापेमारी पर रोक लगाई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।